हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं जीके के इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट प्रश्न। चाहे आप यूपीएससी, एमपीपीएससी, एमपीएसआई, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या आपके जनरल नॉलेज के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, क्या आप जानते हैं कि इस देश में एक भी न्यूज़ चैनल नहीं है? ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर एक भी न्यूज़ चैनल नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ग्रीक देश में, जहाँ पर एक भी न्यूज़ चैनल नहीं है। सवाल नंबर दो, चीनी की खोज किस देश में हुई थी? अब आप ये मत बता देना कि चीनी की खोज चीन में हुई थी। सही जवाब हो जाएगा भारत देश में, चीनी की खोज भारत देश में हुई, क्योंकि चीनी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भारत के लोग करते हैं। सवाल नंबर तीन, फाइटर पायलट अभिनंदन को पाकिस्तान ने नियंत्रण में कब लिया था? सही जवाब हो जाएगा फरवरी 2019 में। सवाल नंबर चार, किस चीज़ में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है? किस चीज़ में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा अंडे में, अंडे में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। सवाल नंबर पाँच, भारत में सबसे पहले विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? आपका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। सवाल नंबर छः, जागरूस पर्वत कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब हो जाएगा ईरान में। दोस्तों सवाल नंबर सात, भारत किस देश से सबसे ज़्यादा वस्तुओं को खरीदता है? ऐसा कौन सा देश है जहाँ से भारत सबसे ज़्यादा वस्तुओं का परचेस करता है, खरीदता है? सही जवाब हो जाएगा चीन से। अधिकतर चीन की वस्तुएं हमारे भारत में इस्तेमाल की जाती हैं, चाहे वो मोबाइल हो या किसी भी प्रकार की कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हो, तो सबसे ज़्यादा चीन की वस्तुओं का इस्तेमाल भारत में किया जाता है। सवाल नंबर आठ, किस फल में बीज नहीं होता है? ऐसा कौन सा फल है जिसमें बीज नहीं होता है? सही जवाब हो जाएगा केला में, केला में बीज नहीं होता है। सवाल नंबर नौ, नीला केला कहाँ पाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा दक्षिण अमेरिका में, साउथ अमेरिका। सवाल नंबर दस, रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल में प्रदान की जाती है? ऐसा कौन सा खेल है जिसमें रानी झांसी ट्रॉफी प्रदान की जाती है, खिलाड़ियों को दी जाती है? आपका सही जवाब हो जाएगा क्रिकेट में। सवाल नंबर ग्यारह, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और इसके बारे में मैं थोड़ा आपको डिटेल में बता देता हूँ कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? गुजरात में, और ये नर्मदा नदी के किनारे बनी हुई है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे बड़ी और ऊंची मूर्ति है, जो कहाँ पर है? गुजरात में, भारत के राज्य गुजरात में। सवाल नंबर 12, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, सबसे पहले किसने बताया था? सही जवाब हो जाएगा निकोलस कोपरनिकस ने। सवाल नंबर 13, ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा था? सही जवाब हो जाएगा आपका कवि प्रदीप ने ये लिखा था, ए मेरे वतन के लोगों। सवाल नंबर 14 है दोस्तों, हिंदू धर्म में कुल कितने पुराण हैं? आप सभी को पता होना चाहिए हमारे हिंदू धर्म में कुल 18 पुराण हैं। सवाल नंबर 15, और आज का हमारा आखिरी सवाल है, अंगूरों की पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? ऐसा कौन सा शहर है जहाँ पर अंगूर की पैदावार बहुत ज़्यादा होती है, प्रसिद्ध है? सही जवाब हो जाएगा नासिक, नासिक में अंगूर की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। अगर आप स्टडी पॉइंट सिक्स चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर आप स्टडी पॉइंट सिक्स चैनल से जुड़ जाएं। धन्यवाद।